हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, टीसीएस की तरफ से एक बिगेस्ट रिजल्ट अपडेट आई है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिजल्ट अपडेट भी बताने वाला हूं एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रिजल्ट डिलेड की। देखो, ऑलरेडी आपने 15 मार्च के अंदर अपना असेसमेंट दे दिया था, आपका टीसीएस का जो एनक्यूटी असेसमेंट था, जो आपने ऑफलाइन सेंटर्स पर जाके दिए है एग्जाम, जो आपने दिया है जिसके अंदर आपके एप्टीट्यूड राउंड कोडिंग क्वेश्चन थे, वो आपने 15 मार्च के अंदर दिया है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 30 मार्च के अंदर दिया है। ऑलरेडी अप्रोक्स जो टाइमिंग होती है वो आपकी 1 मंथ टू 1.5 मंथ की होती है, जो आपके रिजल्ट की टाइमिंग होती है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो अप्रोक्स हम मान के चल सकते थे कि 15 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में आपके रिजल्ट आ सकते थे, बट ऑलरेडी टीसीएस ने यहाँ पे इतना लेट कर दिया है एंड ये काफ़ी डिले ऑलरेडी हो चुका था। बट रिसेंटली अभी टीसीएस एनक्यूटी की तरफ से एक रिजल्ट अपडेट आई है। जो कहाँ से आई है, ये बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट होने वाली है, बिकॉज ये अपडेट कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर कॉलेज टीपीओ ने दी है, ठीक है। यानी कि टीसीएस की तरफ से उनको कुछ रिजल्ट की इंफॉर्मेशन कोई अपडेट आई होगी, तभी कॉलेज टीपीओ ने ये अपडेट दी है। कॉलेज टीपीओ ने कहा है कि विद इन दो से तीन दिन के अंदर आपके टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट आ जाएंगे एंड ये रिजल्ट फेस वाइज आने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन एक पर्टिकुलर डेट पे हर एक फेस के रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये रिजल्ट फेस वाइज आने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स के आज आ गए, कुछ स्टूडेंट्स के 3 दिन बाद आ गए 4 दिन बाद आ गए, तो ये देख लेना जो टीसीएस एनक्यूटी के रिजल्ट होते हैं वे अनाउंस होंगे फेस वाइज। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15 मई तक स्टूडेंट्स के रिजल्ट आ जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है एंड ये एक ऑफिशियल अपडेट है जो कुछ स्टूडेंट्स के कॉलेज के टीपीओ ने दिया है। एंड अगर आपके कॉलेज के टीपीओ ने अपडेट दिया है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम बात करने वाले हैं कि भैया क्या इंटरव्यू की हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या चीज़ फॉलो करें। सो अभी आप लोग के लिए हमने एक बहुत टॉप नॉच लेवल टॉप 20 टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू शीट बनाई है, ठीक है। ये इंटरव्यू शीट, ये मान लेना, आप लोग के लिए वरदान होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर ये जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं ये इतने रिपीटेड, इतने टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन है एंड काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। हाईली रिकमेंड करूंगा इस शीट को अभी ले लेना। कैसे आपको शीट मिलने वाली है, चलते हैं शीट की तरफ। गाइस, डायरेक्टली आ जाना है आपको टॉपमेट पे एंड यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ तो बताने वाला हूँ कैसे आपको मिलने वाली है, बट यहाँ पे आप बाकी चीज़ें जैसे आप रेफरल, यहाँ पे आप रेफरल ले सकते हो, विद इन 15 मिनट्स के अंदर आप रेफरल ले सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज विच इज मॉक इंटरव्यूज। देखो, अब आप लोग के अपकमिंग मॉक इंटरव्यूज, जो आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं उसके अंदर मॉक इंटरव्यूज एक इम्पॉर्टेंट, एक क्रूशियल रोल आपका प्ले करने वाला है। जितने ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा मॉक इंटरव्यूज होगे, उतना ही आपका बेटर इंटरव्यू जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिल जाएंगे, यहाँ पे आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप टीसीएस के सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेजोन, किसी भी कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सर्च कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है आपके भैया की प्रोफाइल, यहाँ पे आपको सर्च करना है अमन अग्रवाल द बीटेक फैक्ट्री चैनल एंड यहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी। आपको व्यू प्रोफाइल पे जाना है एंड अभी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ आप लोग के लिए जो टॉप नॉच लेवल कॉन्टेंट बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके भैया की प्रोफाइल जस्ट गॉट वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग के लिए बनाया है टॉप 20 टीसीएस इंटरव्यू मटेरियल, आपको यहीं पे मिल जाएगा टॉप 20 टीसीएस एनक्यूटी इंटरव्यू शीट। गाइस, जिस शीट की मैं बात कर रहा था, ये अमेजिंग शीट, मेरी एंड मेरी पूरी टीम ने इस पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किया। ये क्वेश्चन जो पिक किया है ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, अभी के अभी इस शीट को ले लेना। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाओ जाके अभी के अभी ग्रैब कर लो।